हैदराबाद की दिशा के साथ जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ, उसे रेप के बाद जिंदा जला दिया गया, और जैसे उसके दोषियों के खिलाफ इन दिनों कार्रवाई की मांग हो रही थी, इसी बीच अब ये खबर सामने आई है कि सीन रिक्रिएशन के दौरान जब आरोपियों को मौकाए वारदात पर ले जाया गया तो वो पुलिस वालों का हथियार छीनकर भागने लगे और पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसके बाद उनका एनकाउंटर करना पड़ा। अब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि ऐसे घृणित काम करने वालों को दया याचिका का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। वहीं हैदराबाद में दरिंदों के इनकाउंटर की खबर जब देश के सामने आई तो अलग अलग शहरों से जश्न की तस्वीरें भी सामने आई। लोग इनकाउंटर करने वाले पुलिस वालों की जय जयकार कर रहे हैं। दिल्ली, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। देश की जनता इस एनकाउंटर पर क्या सोचती है, उनका क्या कहना है, ये अलग अलग शहरों के लोगों से हमने बात कर समझना चाहा। डॉक्टर, दिशा के आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर मुठभेड़ के अंदर मार गिराया है, लेकिन इस मुठभेड़ के बाद तमाम जो लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है वो काफ़ी संतोषजनक है, लोग काफ़ी खुश हैं। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबसे हम बातचीत करेंगे। मैम, ये जानना चाहूँगा जो कि आज हैदराबाद के अंदर हुआ, इतने एक हफ्ते से लगातार जो घटनाएं चल रही थी, देश भर के अंदर एक रोष था, कैसे नज़रिए से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं आप घटना के बारे में बात कर रहे हैं? घटना तो बहुत ही दुखद थी और जो ये एनकाउंटर हुआ मैं इसको फुल्ली सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि हमारे समाज में हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलता है, तो इस तरह से अगर न्याय दिया जा रहा है मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। बहुत ज़्यादा सही है ये जज, बिल्कुल सही है। उसमें हो सकता है उसका फ़ायदा उठा के कुछ निर्दोष भी कभी मारे जाएं, बट अगर 10 के आगे एक निर्दोष मारा जाता है मैं उसको माइंड नहीं करती। ठीक था ये, बिल्कुल ठीक ढंग है। इन लोगों को इसी जो उन्होंने जैसा उन्होंने कर्म किया उसी हिसाब से उनको फल मिलना चाहिए था। तो आई सपोर्ट स्टोनिंग टू डेथ ऑल्सो, उनको चौराहे पे लाके पत्थरों से मारा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का कर्म उन्होंने किया उसी तरह से उनको ट्रीट किया जाना है। स्टूडेंट भी, आप क्या करती है, कौन से कॉलेज में? आई एम एन एमिटी लॉ स्कूल नोएडा एंड आई एम डूइंग लॉ फॉर 5 years। जो एनकाउंटर हुआ है, आरोपियों को मारा गया है, कैसा देखती है, किस नज़रिए से देखती है? जो ये जस्टिस मिली है, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्पीडी जस्टिस है, बिकॉज़ अगर हम बाकी जुडिशियल केसेस को देखें तो उनको मिनिमम टू मिनिमम 5 years तो लग ही जाते हैं टू रीच टू अ सेटलमेंट। एंड ये जो क्राइम है, दिस कैन नॉट बी आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, जो जैसे बाकी सिविल चीज़ों के लिए हो सकता है। दिस वुड बी अ बेटर वीकेंड से पनिशमेंट गिवन टू द क्रिमिनल्स, क्योंकि इसमें उनको एक डर बैठ जाएगा जिसके वजह से वो आगे ये चीज़ शायद थोड़ा कम कर दे। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा और भी लगता है जब वो चारों आरोपी और तड़पते और जिस तरह से वो लड़की चली है, वो तरह से अगर उनको भी तड़पाया जाता, जो दर्द महसूस होता ना, तब पता चलता कि एक लड़की के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म करने का क्या नतीजा होता है। हैदराबाद पुलिस को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उनके आज जो वो भी आवाज़ उठाए, जो भी वो इनकाउंटर किए हैं, बहुत सही किए हैं। अगर वो एक कदम उठा सकते हैं तो अभी पूरा देश उठा सकता है। हम लोग यहाँ पर जो हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है उसमें जो हैदराबाद पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया वो बहुत ही सराहनीय कार्य किया। यही कार्य उन्नाव पुलिस को करना चाहिए। जो ये कार्य जो घटना हुई है उसके प्रति हम लोगों के अंदर बहुत ही आक्रोश है, और जो हैदराबाद पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया है उससे हम सभी बहुत खुश हैं।